हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं एक मैच कवर करने चैंपियनशिप फुटबॉल लीग का। फुलहाम वर्सेस एमआईडीडी के बीच मैच होगा और मेरे को मतलब पुराने मैचेस याद आ गए फुलहाम के। बट ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, प्रीमियर लीग में सबसे लास्ट रहती थी, बट अभी थोड़ी बढ़ोतरी की है एक आधे गोल की। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको मिलेगी लाइनअप्स के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आज सारे फुटबॉल के जैकपॉट मैचेस हैं और बड़ी बड़ी लीग्स के मैच हैं, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कब शुरू हो और कब हम कवर करें। तो ये मेरा चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करें इस मैच की, देन फुलहाम वर्सेस एमआईडीडी। तो यहाँ पे एमआईडीडी को देखो फेवर में नहीं जा रहा, मैं जो फेवर लूंगा वो है गाइस फुलहाम का। तो बात करूँ सबसे पहले गोलकीपर की, यहाँ से लूंगा जे लमली को। देन एज यू नो कि जे लमली इज अ नॉर्मल प्लेयर है, आपको मैंने पहले ही बोला था कि देखो एमआईडीडी की गोल कीपिंग इतनी खास नहीं है और फुलहाम की भी गोल कीपिंग इतनी खास नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स गोल बहुत ही ज़्यादा कम करती है, जिस कारण गोलकीपर का कोई काम होता नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो लमली को मैं एज अ सेफ प्लेयर ले रहा हूँ। बात करें अगर हम यहाँ पे डिफेंडर की, तो फुलहाम का जे ब्रियन को मैंने यहाँ से लिया है। जे ब्रियन का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड पता नहीं अभी तक तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके चक्कर में टी एडरबियो को छोड़ के नीचे से टी रियम को ले लिया। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये है भाई मेरा रिस्क लेने का रीज़न। मतलब इसके नीचे कोई एक्सटर्नल रीज़न नहीं है, सिर्फ यही है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, बड़े प्लेयर को छोड़ के स्मॉल प्लेयर पर ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर ब्रियन तो मेन, अगर ब्रियन ना खेला देन आई विल ट्राई टी एडर बॉय। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे कैनी टेटे, तो ये भी इस प्लेयर मतलब ये प्लेयर भी मेरी टीम में रहेगा। बाकी एक ही रिस्की प्लेयर है अभी तक तो मेरी डिफेंडिंग में, जो कि है टी रियम, जो कि मैंने मेन प्लेयर को छोड़ के लिया। तो देखते क्या करता है, क्योंकि उम्मीद है मेरे को। और आगे से बात करें मिडफील्डर की, यहाँ से लूंगा एच विल्सन को। देखो हैरी विल्सन ज़्यादा गोल्स तो नहीं कर रहा फुलहाम की तरफ से, गोल तो बड़ी दूर की बात है, असिस्ट तक नहीं हो रही, क्योंकि ए नॉकआउट अभी तक खेल नहीं रहा। तो उसकी जगह जो प्लेयर आया है वो है गाइस पुराना, जिस तरह हमें फैबियो कारवेलो, ये ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता लेकिन जब भी खेलता है तो मैंने काफ़ी बार नोटिस किया कि अपनी टीम के लिए काफी लकी प्लेयर है और काफी बार जब भी खेलता है तो गोल वगैरह एक आधा करता है। आगे से बात करें नेक्स्ट प्ले की, तो यहाँ पे सैमी मॉर्सी, देन सैमी मॉर्सी एंड जे हाउसन देखो सेफ प्लेयर है दोनों। अगर आप इन दोनों के बीच कंपैरिजन करोगे देन जे हाउसन इज द बेस्ट प्लेयर, अगर कंपैरिजन करते हो, क्योंकि मॉर्सी इतना खास नहीं है अपना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जिसकी फोटो आ रही थी ना उसको प्लेयर को टीम में ले लेते हैं। भाई फोटो में क्या रखा है यार, आप प्लेयर का रिकॉर्ड देखो कि मम मॉर्सी का रिकॉर्ड इतना खास नहीं है जितना कि हाउसन का है। तो यहाँ पे मैं यही राय दूंगा, अगर आपने इन दोनों में से कोई एक प्लेयर चुनना है देन हाउसन के साथ ही जाना, कोई अनदर प्लेयर मत चुन लेना। बात करें स्ट्राइकर की, देन बी रियट को आपको पता ही है, बॉबी रियट को लेने के पीछे का कोई अलग कारण नहीं है। ये बंदा पहली बात तो स्ट्राइकर था नहीं, इन्होंने स्ट्राइकर में डाल दिया क्योंकि ए मिट्रोविक नहीं खेल रहा काफ़ी दिनों से। मिट्रोविक के चक्कर में फंसा कौन, बी रियड। और बी रियड एक मिडफील्डर है, इट्स नॉट ए स्ट्राइकर, और उसके कारण मुझे लेना पड़ा नीचे से एक प्लेयर जो कि है इवान कैवलेरिया। क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्डर होना ही चाहिए भले वो कोई भी हो, तो मुझे मजबूरी में प्लेयर भी लेना पड़ा। एंड आगे से बात करें डी वेटमोर की, डी वेटमोर खेला देन मेरा शायद वाइस कैप्टन रहे। और आगे से बात करें कैप्टन की, देन कैप्टन वॉज आई कैवलेरियो एंड वाइस कैप्टन वॉज डी वेटमोर। अभी मैं थोड़ा और चेंजेस करूंगा, वो आपको लाइनअप्स आने के बाद पता चलेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।